वन वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप सभी लोग, आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज मैं लाई हूँ एक चटपटा सा अचार लेके, आप लोग देख सकते हो इसे बंगाली में फूल बोलते हैं। तो मम्मी ये बनाएगी और मैं आप लोगों को इसको बताऊंगी मम्मी ने कैसे बनाई है। तो पहले मम्मी ने इसे उबाल ली है, इसके पहले मम्मी ने दो तीन दिन छत पे सुखा ली है, फिर मम्मी ने नमक डाल के और हल्दी डाल के उबाल ली है। देखो फूल गया है, अब मम्मी पानी इसे फेंक देंगी, इसका पानी फेंक देगी। अब मम्मी डाल रही है इसमें मस्टर्ड ऑयल, आप लोग देख सकते हो। देखो मस्टर्ड ऑयल मम्मी ने डाल दी है, अब डालेंगी मम्मी सूखी हुई मिर्ची। अब मम्मी डाल रही है पाँच फोरन तो ये डाल रही है मम्मी। पानी डाली है और चीनी स्वाद अनुसार चीनी, हमें ये दो बार डाली है और तीन बार डाली है। ওটা কতক্ষণ সেদ্ধ করেছে তুমি? তিন চার মিনিট। আচ্ছা ও যে দেখ রে ও ফল ও মামি নে তিন ইয়া চার মিনিট তক মামি নে উবালি হে থোড়া সা নমক ডাল কে আর থোড়া সা হলদি ডাল কে इसको पहले मम्मी ने सुखा लिया है छत पे, दो तीन दिन धूप पे सुखा लिया है, फिर मम्मी ने कर दिया। अच्छी नहीं गल गया है, देख सकते हो, देखते रहो गल से। चीनी पूरा गल चुकी है मम्मी, अभी ये डाल देंगी फल। इसका टेस्ट बढ़िया आएगा।
देखो इतने सारे हैं तो स्वाद अनुसार ही मम्मी ने चीनी डाली है, तो आप लोग भी ऐसा ही कीजिए। अगर ज़्यादा आप ले रहे हो ये तो आप ज़्यादा चीनी डालो, मतलब जितना चाहिए, ज़्यादा ना मीठा हो जाए, बस उतना ही। अब मम्मी टेस्ट कर रही है, टेस्ट करो मम्मी। अब मम्मी थोड़ा और चीनी डाल रही है, चीनी थोड़ा सा और चाहिए। अब मम्मी नमक डाल रही है स्वाद अनुसार, आप भी डाल लो जितना चाहिए, उतना ही चीनी और नमक डाल दीजिएगा। अब मम्मी ने टेस्ट करके बताई है कि चीनी और नमक एकदम ठीक ठाक है। अब मम्मी डाल रही है, डालेंगी मम्मी डाल रही है इसमें जीरा पाउडर। अब मम्मी डालेंगी विनेगर इसमें ताकि प्रिजर्व हो ये, क्योंकि अचार है ना, प्रिजर्वेशन के लिए विनेगर डालना पड़ता है। मम्मी ये तीन बार डाली है। अब ये हो चुका है, मम्मी ये टेस्ट करके सब देख ली है, सब स्वाद नमक नमक का और मीठा का स्वाद मम्मी ने सब चख के देख ली है, विनेगर में मम्मी डाल दी है। अब ये हो चुका है तैयार, तो आप लोग भी इस तरह से गर्मियों में अचार, खट्टा मीठा अचार बना सकते हो। आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करना और मुझे बताना कैसा हुआ है। तो आप लोग रेसिपी देख ली है तो आप लोग ज़रूर इसे ट्राई करना, और इसे बनाने में हाफ एन आवर लगा मम्मी को, तो ये बात बता देती हूँ। मम्मी ने इसे धीमी आंच में की है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हो ये कटोरा पूरा एकदम ठंडा हो जाएगा, फिर इसे इस तरह से मम्मी एक चार में लेके इसे मम्मी डाल रही है, तो आप लोग भी इस तरह से ही करना। जब पूरा कटोरा ठंडा हो जाएगा फिर ही ये अचार, खट्टा मीठा अचार आप इसमें चार में डाल देना, और इसे धूप में जरूर दे देना। देखो ये पूरा हो गया है, देखो ये पूरा हो गया डालना, और फिर
इसे बंद करना पड़ेगा। अब मैं इसे बंद करूंगी, देखो हो गया डालना। तो दोस्तों और आप भी इस तरह से धूप में, आप लोग देख सकते हो धूप है, धूप में इस तरह से आप इसे अचार को रख देना, ठीक है, अचार अच्छा रहेगा अगर धूप में रखो तो। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर मेरे इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।